अध्यक्ष द्वारा सीएमओ पर लगाए गए आरोपों के बाद आज सीएमओ द्वारा पत्रकारों से बात की गई। उनका कहना है कि वह एक शासकीय सेवक हैं और उनके चैम्बर में कोई भी उनसे मिलने आ सकता है, चाहे वह राजनीतिक दल का हो, पत्रकार हो या आम नागरिक हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वही उनका गुना के निवास होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह गुना के निवासी है और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वही फायर ब्रिगेड की रसीद काटने के ऊपर उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आचार संहिता में किसी भी संगठन राजनीतिक दल को मुफ्त में शासकीय संपत्ति का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा और कहा कि फायर ब्रिगेड उन लोगों के लिए मुफ्त रखी जाती है जिनके यहाँ आगजनी की घटनाएं होती हैं, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। वहीं किसी भी बड़े राजनीतिक दल के नेता के गुना आने पर सभा स्थल पर फायर ब्रिगेड को प्रशासन द्वारा लगवाई जाती है जिसका भी पैसा नहीं लिया जाता और कहा है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर मेरी ईमानदारी से किसी को कोई परेशानी है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरा तो ये कहना है कि चैम्बर आपके सामने है, आप में भी कक्ष में बैठा हुआ हूँ, कलर जो मेरे को मिला है वही कलर रूम का बना हुआ है और मैं जो है शुद्ध शासकीय सेवक हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मेरे चैम्बर में मेरे केबिन में सभी पार्टियों के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, पत्रकार बंधु, आम जनता के लोग सभी आते हैं। मेरे चैम्बर का गेट कभी नहीं लगता है, जो भी आता है अपनी समस्या को लेकर आता है, प्रयास करता हूँ यहाँ बैठ कर उनका निराकरण कर सकें। तो जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार और झूठे हैं। उनका कहना ये भी था कि कुछ सांसद निधि से कुछ पैसा भी नहीं आ रहा और पानी के बोर्ड से अपना आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, करने नहीं दे रहा, और होली को लेके भी फायर ब्रिगेड के लिए उनने 1500 रुपये की रसीद काटी। देखिए, सांसद निधि वाला मैटर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता और रही होली पे फायर ब्रिगेड की, चूँकि आचार संहिता लगी है, ऐसी स्थिति में हम सार्वजनिक रूप से निःशुल्क नहीं दे सकते। एक मिनिमम जो उसका व्यय है, जो खर्च डीजल का आता है, उसकी राशि हम सभी से जमा कराते हैं। तो सर, उनका कहना ये भी था कि कहीं आगजनी होती है तो भले आग जलता रहे, घर जलता रहे, लेकिन पहले रसीद कटवाएंगे। नहीं, आगजनी के लिए ये नहीं है, वो आपातकालीन स्थिति के फायर ब्रिगेड है ही उसी के लिए। इसके अलावा कोई काम होता है, जैसे मान लीजिए आचार संहिता में कभी कोई सम्मानीय नेतागण आते हैं, हेलीपैड पर वो उतरते हैं तो हम फायर ब्रिगेड भेजते हैं, लेकिन हम उसका शुल्क भी लेते हैं आचार संहिता की अवधि में। उन्होंने आपके खिलाफ कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, ये उनका सोच है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका अधिकार है, उनका सोच है। उन्होंने आपके पार्ट की वोटिंग लिस्ट भी ला के, हाँ, मैं गुना का नागरिक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ ना, कोई अपराध है क्या गुना का नागरिक हूँ ना, मुझे गर्व है मैं गुना का नागरिक हूँ।